अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ की वजह से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज मैं रेसिपी जो बना रही हूँ वो है गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बहुत ही मज़े का लगता है, सर्दियों की सौगात कहलाता है। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो गाजर, 1 किलो दूध, 1 कप चीनी, 1/2 कप देसी घी, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, पिस्ता बादाम, और ये है 100 ग्राम खोया। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब शुमाइला इसमें कैरेट्स का डाल रही हूँ, किसी भी शेप की हो सकती हैं कैरेट्स, क्योंकि उन्होंने तो ग्रेट ही हो जाना है ना। जी, कलर कितना है देखिए, खूबसूरत रंग है इसका, अच्छे से हो गया माशाल्लाह। शुमाइला, आपको बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, और सारी मुबारकबाद तो मेरी इस मशीनरी को जाती है जी। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे ता कयामत। हाँ जी, डिस्कवर पाकिस्तान वाले आए थे हमारे घर, कौमी एहसास है, वो कह रहे थे कि अपनी मशीनरी ना आप ना नेशनल हेरिटेज के नाम कर दीजिए। हमने नहीं दी। हमने कहा नहीं यार, 40-50 साल पुरानी मेरी मदर ने संभाली हुई मशीन है जी। और मैं क्यों दे दूँ इसको, और हमारे मैके की है, मैके में बचा कौन है, मामू तो बच्चे हैं और ये मशीनरी और मामू, तो ये भी दे दें हम आपको। अच्छा जी, ये देखिए कितने अच्छे से गाजरें जो हैं वो ग्रेट हो गई हैं। अब इसमें डालेंगे गाजरें, अच्छे से मिक्स करेंगे।
और अच्छे से इसको पकाएंगे जब तक ये दूध खुश्क नहीं हो जाता, तब तक इसको अच्छे से कुक करेंगे। दूध जो है बिल्कुल खुश्क होने वाला है, अख्तितामी मराहिल पे है, इसको अच्छे से खुश कर लेंगे। बाहर तो खुशबू आ रही है, बस इख्तितामी मराहिल पे है, बस ये मिल्क ड्राई हो जाए फिर फटाफट बन जाएगा, फिर तो टाइम ही नहीं लगेगा। पूरे किचन में और पता है हमारे कॉरिडोर में भी, मैं अंदर से उठ के आई हूँ बेडरूम से कि खुशबू आ रही है अंदर तक। चीनी, इसमें डालेंगे अब इलायची पाउडर, डालेंगे खोया, इसमें डाल देंगे देसी घी, मलाई किया हुआ है, इसे भूनेंगे। वाह भाई वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, मजा आने वाला है। अच्छा जी, शुमाइला गाजर का हलवा भून रही हैं और बहुत अपनी ज़ोर आजमाई में लगी हुई हैं, और उसको अच्छी तरह से जब तक उसका वो देसी घी जो है वो साइडों से नहीं आ जाएगा, वो प्रोसीजर में लगी हुई है, तब तक उन्होंने कहा कि एक डिश निकाल के लाओ जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जी ये एक और हमारे पास हेरिटेज है हमारी वालदा का, जो कि हमारी अम्मी का डिनर सेट था, और ये शुमाइला कैसे में आए, सो मैं ये वाली डिश सेलेक्ट कर रही हूँ बिकॉज रेड कलर वाइट पे बहुत उठ के आता है, तो मैं ये निकालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखें इतनी खूबसूरत डिश है, और अम्मी की चीज़ों का तो जवाब ही नहीं है। डिश निकाल के लाई हूँ मैं, ठीक है? Awesome. है बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ तो ये मैंने कहा कि इसमें सर्विंग होनी चाहिए, आई थिंक ये बहुत प्यारी लगी, एक तो ओवल शेप में और वाइट है, और पहले ज़माने का काम देखे ना आप, ये देखें करीब से, इतना खूबसूरत काम होता था, और मतलब अब ये चीज़ नहीं है जो अम्मी की चीज़ें होती थी ना, और अम्मी का सिलेक्शन भी बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी का टेस्ट बेस्ट था, बेस्ट था, अम्मी हर चीज़ ऐसी नफीस, कपड़ों से लेके ज्वेलरी से लेके आइडियल हमारी। देखिए हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है, उसमें साइडें भी छोड़नी शुरू कर दी हैं, बस इसको मैं डिश आउट करके इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। फाइनल लुक हमारी आज की रेसिपी का,
मज़ेदार गाजर का हलवा तैयार है। अंबर को भी बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। सुबह से ये कटोरी चम्मच लेके घूम रही हूँ कि कब हलवा बने और मैं खा सकूँ, और फाइनली वो टाइम आ गया जब ये खुशबू देखो, देसी घी की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। चलें जी, अब हम इसको टेस्ट करेंगे। ये हमने हलवा लिया, ये भी हमारी वालदा की कटोरी है डिनर सेट की, और ये खोया हमने लिया, ये हमने बादाम पिस्ते लिए, और अब हम टेस्ट करेंगे इसको मज़े से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना बेस्ट बना है, इतना यमी बना है, इतना मज़े का मीठा है, ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा बना है, बहुत मज़े का बना है। ये मैं और खाऊंगी। अमेजिंग, ऑसम, माइंड ब्लोइंग, मैं बता नहीं सकती कितना मज़े का टेस्ट है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी शुमाइला की, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत 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 अच्छा है, हकीकत में बहुत अच्छा है। थैंक यू। अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों को सलामत रखे और तुम्हें बुरी नज़र से बचाए। आमीन। ऐसे ही पकाती रहो, बहुत अच्छा। आमीन। बहुत ऑसम है कि ये तो मैं आपको दिखाने के लिए इतना सा लूंगी, अनका ही देखा है ना ड्रामा, उसमें इतना सा डालते हैं तो जैसे हट जाते हैं तो फिर उबड़ा, फिर मैं खाऊंगी। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, गाजर के हलवे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमें दुआओं में याद रखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। यस, बेस्ट, बेहतरीन।